नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति को लेकर सुर्खियों में है। जेडीयू के तमाम नेता नीतीश कुमार को पहले ही पीएम मटेरियल बता चुके हैं। वहीं जमुई में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को एक सभा संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जिस योजना को 2015 में लागू करते हैं उसी योजना को पीएम नरेंद्र मोदी 2019 में लागू करते हैं। इसके बाद लोगों से पूछते हैं कि कहां की प्रधानमंत्री बनने लायक नरेंद्र मोदी है या नीतीश कुमार, ये फैसला आपको करना है। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रविवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 दर्ज की गई है। इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। जिले के किसी भी हिस्से से जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों एक ही हैं। आज भी नीतीश कुमार एनडीए के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला है बल्कि नीतीश कुमार को बताया है। उपेंद्र कुशवाहा को मुखौटा बताते हुए कहा कि हम इन मुखौटों को जवाब नहीं देते। जो प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं वह मुखौटा है। कहा कि आरजेडी मुझ पर क्या और किस स्टेट में कार्रवाई करेगी, ये जवाब मुखौटों को देना जरूरी नहीं समझते। पार्टी का अंदरूनी मामला है। न्यूयॉर्क से दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट के बिजनेस क्लास में महिला से बदसलूकी के मामले में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान जारी कर 26 नवंबर की घटना पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि यात्री के सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से एयर इंडिया की है। आगे उन्होंने कहा कि हम बेहतर कर सकते थे, हमसे मामले में चूक हुई। चेयरमैन चंद्रशेखर ने कहा कि हम प्रतिक्रिया देने में और तेजी से काम कर सकते थे। बिहार के सभी हिस्से में कड़ाके की ठंड है। बर्फीली ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को पूरे दिन कपकपी का एहसास हो रहा था। 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली पछुआ और कोहरे की वजह से बिहार में दो दिनों तक शीतलहर चलेगी। पटना में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। रविवार की सुबह विजिबिलिटी 1000 मीटर से कम होने से स्पाइसजेट की दिल्ली की फ्लाइट SG8721 आने के बाद डायवर्ट होकर कोलकाता चली गई। यह फ्लाइट करीब 8:55 बजे पटना एयरपोर्ट के आसपास आ गई थी, लेकिन विजिबिलिटी 720 मीटर रहने की वजह से चार चक्कर लगाने के बाद कोलकाता चली गई। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन अगले महीने चालू हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। 130 किलोमीटर लंबे इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 377.08 करोड़ रुपए की लागत आई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन IBFPL के माध्यम से असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पर्वतीपुर डिपो तक ईंधन पहुंचाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में सितंबर 2018 में इस पाइपलाइन का शिलान्यास हुआ था। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि सरकार की जाति आधारित गणना के रजिस्टर में एक कॉलम बेरोजगारों का भी होना चाहिए ताकि पता चल सके कि बिहार में कितने लोग बेरोजगार हैं। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर कहा कि पूरा सरकारी तंत्र फेल्योर है, इसलिए सबसे ऊपरी व्यवस्था को सबसे पहले सुधारने की जरूरत है। बिहार में आज भी इंस्पेक्टर राज है और अपराधियों के आगे पुलिस नतमस्तक है। एक बार फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घटती विकास दर और बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि वे ये भरोसा दिलाना नहीं भूले कि महंगाई पर काबू पाना सरकार की प्राथमिकता। उन्होंने इस साल आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान जताया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 2.25% कम है। उन्होंने माना कि अगर महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो फिर वृद्धि और निवेश में जोखिम बढ़ सकते हैं। तेज प्रताप ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है जिसमें बच्चा श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक बिना रुके गा रहा। बच्चा जिस श्रद्धा के साथ इन श्लोक का प्रवचन कर रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। उसके श्लोक उच्चारण के तरीके से तेज प्रताप यादव काफी इम्प्रेस हुए। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में बिठाया है और बच्चा श्लोक सुना रहा है। तेज प्रताप यादव अक्सर सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट डालते रहते हैं जो वायरल भी हो जाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं और कभी कभी इतने फेमस हो जाते हैं कि वह काफी आगे तक निकल जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने रविवार को कोविड महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों ने देश में महामारी से निपटने में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। एसआईआई के सीईओ ने भारतीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पुणे के उद्घाटन समारोह में ये बातें कही। केंद्र सरकार की ओर से स्मॉल सेविंग्स पर मिलने वाली ब्याज की दरों में 1.10% का इजाफा किया गया है। इसी के तहत किसान विकास पत्र पर अब 7.20% की दर से ब्याज मिलेगा। इससे पहले योजना के तहत 7% ब्याज मिलता था, वहीं अब 123 महीने की जगह 120 महीनों में ही पैसा दोगुना हो जाएगा। यानी नए बदलाव के बाद अब मैच्योरिटी 10 साल में हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। नौकरी पेशा लोग वित्त मंत्री से इनकम टैक्स में छूट की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन उससे पहले टैक्स एक्सपर्ट्स ने नए टैक्स स्लैब पर बयान दिया है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने कहा कि आगामी आम बजट में ऑप्शनल टैक्स सिस्टम को लुभाना बनाने के लिए इसमें PPF और अन्य टैक्स सेविंग्स स्कीम के जरिए कटौती की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकतम 30% टैक्स स्लैब की सीमा को भी 20 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग की है।
करीब 35 साल तक देश की सीमाओं से हजारों मील दूर रहकर भी भारत के कल्याण के लिए एक सपना पल सकता है। उत्तर प्रदेश की मूल निवासी न्यूक्लियर फिजिक्स की विज्ञानी डॉक्टर अर्चना शर्मा ऐसा ही सपना देख रही हैं और इसको सच करने के अभियान में लगी हैं। जिनेवा की सर्न लैब में कैंसर के इलाज की सुरक्षित तकनीक पार्टिकल थेरेपी पर अनुसंधान कर रही और चाहती हैं कि एक दिन यह थेरेपी मेक इन इंडिया बनकर सामने आए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंची डॉक्टर शर्मा को 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित करेंगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 9 से 11 जनवरी तक न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन के दौरे पर रहेंगे। अमेरिका की यात्रा के पहले चरण में गोयल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वह कारोबारी दिग्गजों के साथ बैठकर करेंगे और न्यूयॉर्क स्थित उद्योगों का दौरा करेंगे। उच्चतम न्यायालय उन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है जिनमें धार्मिक स्थलों पर दावा पेश करने पर रोक संबंधी 1991 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है। संबंधित कानून के अनुसार धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 के स्वरूप में बदलाव के लिए वाद दाखिल नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी सहित 6 याचिकाओं को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है जिनमें इस कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को उभारने के लिए भारत ने एक बार फिर से मदद की है। यातायात संबंधित ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत ने श्रीलंका को 75 यात्री बसें दी हैं। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि श्रीलंका को 500 बसें दी जा रही हैं ताकि सार्वजनिक यातायात मजबूत हो सके। इसी कड़ी में श्रीलंका को भारतीय उच्चायुक्त ने परिवहन बोर्ड को ये बसें सौंपी हैं। भारतीय सेना में बदलाव का दौर जारी है। सरकार की सेना में मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दिग्गजों की हायरिंग, क्रॉस स्किलिंग, टेक्निकल ट्रेड और कंपनी स्पेसिफिक यूनिट्स में सर्विसेज की आउटसोर्सिंग करने की योजना है। एक रक्षा अधिकारी के मुताबिक इस योजना को अगले 5 साल तक लागू किया जाना है जिसका खास तौर पर मकसद सेनाओं की बेसिक समस्याओं को कम करना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रविवार को पूर्व आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर शामिल हुए। इस यात्रा में रविवार को जनरल दीपक कपूर के अलावा सेना के कई पूर्व अफसर भी राहुल के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी हरियाणा से गुजर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में जनरल कपूर के शामिल होने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि जनरल दीपक कपूर को महाराष्ट्र के आदर्श घोटाले में आरोपी बनाया गया था लेकिन वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे हैं। चीन की आपत्ति के बावजूद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रणनीतिक निर्माण को तेज कर दिया है। वाशिंगटन स्थित द डिप्लोमेट पत्रिका ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग को एलसी के पास भारत की सड़कों, रेलों को स्वीकार करना सीखना होगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि भारत ने सीमा अवसंरचना निर्माण के संबंध में अपनी योजनाओं पर चीनी आपत्तियों से भयभीत होने से इनकार किया है। भारत यहां तेजी से सड़कों का निर्माण करेगा। भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा एकीकरण के लिए विभिन्न अंतर्राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के भादला, फतेहगढ़ और बीकानेर क्षेत्रों में 8.9 गीगावाट और सौर ऊर्जा वितरण के लिए नवनिर्मित ट्रांसमिशन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसका निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। जयपुर के राजभवन में आयोजित समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और पावर ग्रिड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आज भारत जोड़ो यात्रा महिला शक्ति को प्रोत्साहन एवं सम्मान देने के उद्देश्य से महिलाओं को समर्पित रहा। पार्टी नेताओं ने कल कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया था कि 9 जनवरी की यात्रा जो पूरी तरह महिलाओं को समर्पित रहेगी उस दिन अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में यह संदेश पहुंचाया जा सके। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हरियाणा की महिलाएं हर क्षेत्र में पारंगत हैं। 2023 गणतंत्र दिवस परेड में देश में पहली बार सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक कॉमन झांकी शिरकत करेंगे जिसमें इस साल की थीम नारी शक्ति होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी सीएपीएफ के लिए एक झांकी बनाने का फैसला किया है। पहले सीएपीएफ का प्रस्ताव भेजना पड़ता था और केवल एक बल को अपनी झांकी दिखाने के लिए चयन समिति से मंजूरी मिलती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सबकी एक कॉमन झांकी निकाली जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रविवार को हरियाणा के समाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के सवालों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सवाल सिर्फ ध्यान भटकाने के प्रयास है। राहुल गांधी ने कहा कि नेशनल मीडिया भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दिखाता है। दरअसल कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के बारे में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सोशल मीडिया पर यात्रा को लेकर चर्चा हो रही है लेकिन नेशनल मीडिया कुछ भी नहीं दिखाता है। फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करने वाली है। वित्त वर्ष 2023-24 को संसद में अपना बजट संसद पेश करेगी। बजट से पहले हर सेक्टर की सरकार को उम्मीदें हैं। आज हम जिस सेक्टर की बात करने वाले हैं उसका नाम है एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर को पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है लेकिन दिसंबर की तिमाही के नतीजों से एविएशन सेक्टर ने राहत की सांस ली। ऐसे में इस इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार उन्हें वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स में छूट की राहत देगी। इससे एयरपोर्ट और एयरलाइंस के मेंटेनेंस कॉस्ट में कमी आएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत गारंटी के तौर पर कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके तहत गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। उन्होंने राजस्थान के कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 33,000 से अधिक ऋण स्वीकृति पत्र सौंपने के बाद संबोधित करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 2,300 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मिलेगा। राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए लगाकर जो पप्पू वाली छवि बनाई गई थी उसका पोस्टर अब भारत जोड़ो यात्रा से फट गया है। स्वराज इंडिया के प्रमुख और सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रविवार 8 जनवरी को राहुल गांधी के बारे में यह बात कही। योगेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश का मानस बदलना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सभी जन आंदोलन के लोग हैं जो इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। योगेंद्र ने कहा कि पिछले 112 दिनों में इस यात्रा ने देश में नफरत को भुलाकर दिल को जोड़ने का संदेश दिया है। रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास आवेदन करने का शानदार मौका है। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर आवेदन मांगे हैं। यहाँ फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, केबल ज्वाइनर या क्रेन ऑपरेटर और रेफ्रिजरेटर और एसी मैकेनिक समेत कई ट्रेड्स में कुल 1,785 वैकेंसी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का चयन हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। इसी कड़ी में रविंद्र जडेजा को आज नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। घुटने की चोट के चलते रविंद्र जडेजा पिछले करीब 5 महीनों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ही मोदी को भगवान मानते हैं। अगर लोकतंत्र में आप किसी एक व्यक्ति को भगवान समझने लग जाएं तो वे डेमोक्रेसी नहीं है, वो ऑटोक्रेसी है। यहाँ तानाशाही आ जाएगी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 170 नए केस सामने आए। इस दौरान 221 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण का मात देने में कायम रहे। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 2,371 रह गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 52 की कमी दर्ज की गई है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुगुल कुमार, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद नौशद राजा, अनवर करीम खान, जीशु कुमार, कौशल कुमार झा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सर्दियों में आप कहाँ घूमना पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।